नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिलगैरा का आज 15वां दिन, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम पूरा। हैदराबाद से आने वाली प्लाज्मा कटिंग मशीन का हो रहा इंतजार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का एक बार फिर मंत्रियों ने किया उल्लंघन। सतपाल महाराज पर लगा तानाशाही का आरोप। तानाशाही पर सवाल खड़े कर रही विपक्षी पार्टियां। फर्जी चिकित्सक को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक युवक को इंजेक्शन लगाने से हुई थी युवक की मौत। आरोपी पिछले 15 सालों से बिना किसी वैट डिग्री के चला रहा था केमिस्ट की दुकान। गंगा दशहरा मेले की तैयारियां हुई पूरी। 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक संचालित होगा मेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे मेले का शुभारंभ। स्थानीय प्रशासन मेले की तैयारियों को लेकर लगातार सक्रिय है। और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम बदल सकता है करवट। 26 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट। बचाव अभियान पर भी पड़ सकता है असर। और अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिलक्यारा का आज 15वां दिन है। हैदराबाद से आने वाली प्लाज्मा कटिंग मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। ओगर मशीन के ब्लेड काटने के बाद टनल में मैन्युअली खुदाई का काम शुरू होगा। वहीं दूसरे विकल्प वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू कर दिया गया है। टनल के ऊपर पहुंचाई जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन, जिसमें 84 मीटर खुदाई होनी है ऊपर से। वहीं एक्सपर्ट्स का दावा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में 3 दिन का समय लग सकता है। का इंतजार हो रहा है। टनल में मैन्युअली खुदाई का काम चल रहा है। वहीं दूसरे विकल्प वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू होगा। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन टनल के ऊपर पहुंचाई गई। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। 84 मीटर ऊपर से खुदाई होनी है। वहीं एक्सपर्ट का दावा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में 3 दिन का समय लग सकता है। ओडिशा से आई मशीनों को वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सुरंग के ऊपर पहुंचाया गया। बड़कोट की ओर से सुरंग केवल 10 मीटर बनी। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना। आपको बता दें कि ऑगर मशीन 3 दिनों में महज 2 घंटे ही चल पाई। बता दें कि ऑपरेशन सिलगैरा का आज 15वां दिन है, जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। वहीं हैदराबाद से आने वाली प्लाज्मा कटिंग मशीन का इंतजार जारी है। दूसरे विकल्प वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी इस दौरान काम शुरू होगा। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन टनल के ऊपर पहुंचाई गई है। वहीं वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। 84 मीटर ऊपर से खुदाई होनी है। वहीं एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन की खुदाई में लगभग 3 दिन का समय लग सकता है। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित कुमार सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, हैदराबाद से प्लाज्मा कटिंग मशीन मंगाई जा रही है, वहीं वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जारी किया जा रहा है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों विकल्पों से कब तक आखिर ऑपरेशन को कामयाबी मिल सकती है।
जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी लगातार जो खुशखबरी की जो अपडेट मिल रही थी कि क्योंकि जो मजदूर 41 मजदूर वहां पर फंसे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन तमाम एजेंसियां हर बार वार्ता करती थी कि अब कहीं ना कहीं कुछ समय का वक्त है, तो जो यहां पर जो मशीन जो एमरजेंसी मशीन है वो यहाँ पर विफल अब सामने जरूर आ चुकी है। उसके भी जो टेक्निकल यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो ब्लेडे हैं वो भी खराब हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो अब दूसरी मशीन जो यहाँ पर पहुंची है तो कहीं ना कहीं आज अब उसकी जो इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो मजदूर के लिए यहाँ पर हैवी मशीन जो ड्रिल मशीन है वो कल यहाँ शाम को ऊपर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर बीआरओ द्वारा एक टनल के ऊपर से एक मार्ग बनाया गया है, छोटा सा मार्ग बनाया गया है जिसपे मशीन को ले जाना एक चुनौती भर जरूर था, क्योंकि अब मशीन वहां पर पहुंच चुकी है और ड्रिल का जो कार्य है वो अब बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बड़कोट से भी यहाँ पर 10 मीटर का जो ड्रिल है वो हो चुका है, तो जहाँ तमाम एजेंसियां यहाँ पर एक्सपर्ट लगातार अपने अपने युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, अब उम्मीद थोड़ा बहुत जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अब समय लग सकता है, क्योंकि अब कितने दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि अब इसकी जो टाइमिंग है, जो इसका समय है वो अब कोई निर्धारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब जो कार्य है, जो मशीन आएगी है वो कुछ ही समय बाद यहाँ पर पहुंचने वाली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमित तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि ऑपरेशन सिलक्यारा का आज 15वां दिन है, जहां पर हैदराबाद से आने वाली प्लाज्मा कटिंग मशीन का इंतजार जारी है, तो वहीं वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के लिए इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि लगभग 84 मीटर ऊपर से खुदाई की जानी है, वहीं वर्टिकल मशीन को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें 3 दिन का समय लग सकता है। ऑपरेशन सिलक्यारा का 15वां दिन है, जहां हैदराबाद से आने वाली प्लाज्मा कटिंग मशीन का इंतजार जारी है, टनल में मैन्युअली खुदाई का काम चल रहा है, वहीं दूसरे विकल्प वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू है, टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन पहुंचाई गई है जिसका इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है, 84 मीटर तक ऊपर से खुदाई होनी है, वहीं एक्सपर्ट्स का दावा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में 3 दिन का समय लग सकता है। ओडिशा से आई मशीनों को वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सुरंग के ऊपर बड़कोट की ओर पहुंचाया गया, सिर्फ 10 मीटर रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, वहीं सुरंग में फंसी होकर मशीन को काटने का काम भी जारी है। पालिका द्वारा सामाजिक स्तर पर हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और डस्टबिन और कपड़े थैले देकर उनका उत्साहवर्धन किया। पालिका अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पालिका हमेशा विभिन्न स्तरों में सराहनीय काम कर रही है, महिलाओं का उत्साहवर्धन करती रही है, वहीं पालिका द्वारा हमेशा से हर वो सहायता प्रदान की जाती है जिससे उन्हें आगे आने में ऐसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। हमने समाज के अंदर जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में, चाहे राजस्थानों के संबंध में हों, चाहे समूह के क्षेत्र में हों, चाहे जो भी लोग हैं उनको सम्मानित किया गया है, और ताकि उसकी प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस तरह का कार्य करें, और साथ ही सभी जितने भी हमारे समूह और अन्य लोग आए थे उनको डस्टबिन उनको नगर पालिका द्वारा वितरित की गई, और कुछ लोगों को हमने विशिष्ट लोगों को प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए, और विशेष कार्य करने को वालों को पुरस्कार भी हम लोगों ने दिए हैं। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ के कक्षा 9 और 11 के 200 छात्रों के दल ने प्रधानाचार्य घनश्याम भट्ट के नेतृत्व में कोली ढेक झील, लोहाघाट बद्रीगाय प्रजनन केंद्र नरियाल गांव, सीतजल मत्स्यिकी केंद्र चंपावत का भ्रमण किया। इसके साथ ही दोनों ने संस्थान के वैज्ञानिकों ने छात्र छात्राओं को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक इन स्थानों का भ्रमण किया, कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य घनश्याम भट्ट ने कहा कि इस तरह के शैक्षिक भ्रमण से बच्चों का मानसिक विकास होने के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है और उन्हें कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होती है जो आगे चलकर उनके जीवन में काफी लाभदायक सिद्ध होती है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का एक बार फिर मंत्रियों ने उल्लंघन कर दिया है। कैबिनेट मंत्री और चौबटा खाल से विधायक सतपाल महाराज ने सरकारी शासन आदेश से लेकर सीएम धामी के निर्देश को दरकिनार कर दिया। विपक्षी पार्टी मंत्रियों की तानाशाही पर सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड में मंत्री, सांसद या विधायकों को योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं करने के आदेश दिए गए थे। यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी हुआ था। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होंगे। प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास करने का अधिकार मुख्यमंत्री को होगा। वहीं धामी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों, सांसदों या विधायकों के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी, लेकिन मंत्री मनमर्जी करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस इश्तेहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी तस्वीर नहीं है। मंत्री नहीं है, जैसा कि आपको विदित है 3 नवंबर को एक शासनादेश जारी हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि तमाम, मुख्यमंत्री ऑफिस ने कहा था कि तमाम योजनाएं जो कि जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होना है वो या तो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा या उनके कर कमलों से होगा। पहले तो ये शासनादेश ही औचित्यहीन था क्योंकि ये एक हिटलर शाही की तरफ इंगित कर रहा था, ये तानाशाही दिखा रहा था। कैबिनेट आपके सहयोगी होते हैं, कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य, और ऐसे में अहम ब्रह्मास्मी या वन मैन आर्मी अगर मुख्यमंत्री स्वयं को समझने की भूल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ही, इनिशिएशन ही इसका गलत है। जो भी उन्होंने लोकार्पण किए होंगे उस पर सहमति ली होगी निश्चित रूप से। जो भी कार्यक्रम मंत्रीगण करते हैं या विभाग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत कर करके सब किया होगा। और मंत्रीगण सरकार का अभिन्न अंग होते हैं, मुख्यमंत्री की कैबिनेट का हिस्सा है, तो निश्चित रूप से आपस में बातचीत कर ही सारी चीजें होंगी। स्मार्ट सिटी को लेकर धर्मपुर विधानसभा से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है और कहा कि ओरिजिनल डीपीआर पर काम ही नहीं किया गया। मेयर रहते हुए जो डीपीआर उनके दौरान बनाया गया था उस पर काम ही किया गया, जिसके एवज में स्मार्ट सिटी के काम की अनुमति मिली थी। कहा कि उन प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं हुआ जो योजनाएं नगर निगम से पास की गई थी। कहा कि जब इस मसले पर उन्होंने विधानसभा में बोलना शुरू किया तब उनको बोलने से रोक दिया गया। कहा कि जो ओरिजिनल डीपीआर है वो डीपीआर के तहत आज के कामों को कंपेयर किया जाना चाहिए, इससे पता चल जाएगा कि अधिकारियों ने यहां पर क्या क्या किया है। वहीं उन्होंने मांग किया कि स्मार्ट सिटी के कामों का ऑडिट किया जाना चाहिए। जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, ये मैंने बोला। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सेंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं? वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पल्टन बाजार का था, पल्टन बाजार का पूरे पल्टन बाजार जीर्णोद्धार था, बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल रोड थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा, मैंने मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए। हमारे साथी सरकार की इजाबाई शगुन योजना को सरकारी अस्पताल ही पलीता लगा रहे हैं। इजाबाई शगुन योजना के तहत 48 घंटे से ज्यादा अस्पताल में रुकने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन के तौर पर 2000 की राशि दी जाती है। वहीं सीएमओ की ओर से एक महीने पहले फंड जारी करने के बावजूद भी कई सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीएमओ द्वारा दून अस्पताल सहित 12 हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। मामले पर जानकारी देते हुए दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि दून अस्पताल में मरीजों की संख्या शहर भर में सबसे ज्यादा है, ऐसे में लाभार्थियों के बैंक खाते समय अन्य दस्तावेज तैयार करने में समय लग रहा है। एक बहुत ही अच्छी स्कीम सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है जिसमें लाभार्थी को 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है अगर वो हमारे यहाँ 2 दिन से ज़्यादा भर्ती रहे हैं तो। ऐसे में हमारे पास उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के नाते बहुत सारे लाभार्थी की संख्या है, जिसका हम लोगों ने काम शुरू पहले दिन से किया हुआ है और उम्मीद है कि 7-8 दिन के अंदर वो हम सभी लाभार्थियों को उनका पैसा ट्रांसफ़र करने में सक्षम रहेंगे। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर जी की चल विग्रह डोली सेना के बैंड की मधुर भक्ति में धुनों के साथ दोपहर 2:15 शीतकालीन गद्दे स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंच गई है। इस मौके पर श्री ओमकारेश्वर मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और श्रद्धालुओं ने श्री मदमहेश्वर डोली का फूल बरसाकर स्वागत किया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने डोली के श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचने पर आयोजित मदमहेश्वर मेले को शुभकामनाएं दी। डोईवाला में गुरु नानक देव जी की जयंती के 554वें प्रकाश पर्व पर सिख समुदाय के लोगों ने पंच प्यारों की अगुवाई में शोभा यात्रा का आयोजन करते हुए नगर कीर्तन यात्रा निकाली। सिख समुदाय के श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन का धार्मिक महत्व बताते हुए कहा कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन निकाला जाता है। इस दौरान पंच प्यारे नगर कीर्तन की अगुवाई करते हैं। वहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों की पालकी से सजे वाहन पर सुशोभित करके नगर कीर्तन विभिन्न क्षेत्र से होते हुए गुरुद्वारे पहुंचता है। गुरु नानक जी के जन्मदिन की खुशी में आज नगर कीर्तन निकाला गया है और सारी संगत को प्रसाद देते हैं। जगह जगह लोग प्रसाद बांटते हैं और चौराहे पे जाके गतका पार्टी होती है और लोग तरह तरह के गुरु नानक देव जी के उपदेश देते हैं। और शाम को जब दोबारा गुरु नानक देव जी का नगर कीर्तन लेके घर जाए गुरुद्वारा साहिब जाएंगे तो वहाँ आतिशबाजी चलाई जाएगी। और आज सर्वप्रथम तो धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे प्रकाश पर्व दिया सारी सिख संगतान प्रदेश देश सबनों लख लख बधाइया। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश दे कि कर्म करना वंड छकना नाम जपना उन्होंने योजा पाठ पढ़ाया है कि असी कर्म के नाल नाल जो है अपने नाम भी जपना है और वंड के छकना। यह नहीं कि तुसी अपना अपना बनाया अपना ही खाया। महाराज ने दसिया कि किरत करो कमाई करो नाम मंडो और प्रेम का भी जो है सानू पाठ पढ़ाया गया। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के सीमांत झनकैया क्षेत्र में गंगा दशहरा के मौके पर लगने वाले वार्षिक गंगा दशहरा मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं आने वाले 27 नवंबर से आगामी 2 दिसंबर तक संचालित होने वाले इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि बरसों पहले से ही क्षेत्र से होकर बहने वाली शारदा नहर के किनारे इस गंगा दशहरा मेले का आयोजन किया जाता रहा है। ऐसे में एक और जहां स्थानीय प्रशासन मेले की तैयारियों को लेकर सक्रिय बना हुआ है, वहीं जिस शारदा नहर के किनारे मेला लगाए जाने की कवायद की जा रही है वो शारदा नहर इस समय पूरी तरह से सूखी पड़ी हुई है। शारदा नहर के संचालन के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नगर नहर की अति आवश्यक मरम्मत के लिए पानी को रोका गया है। मुख्य नहर के हेड पे अति आवश्यक कार्य कराने के लिए शासन स्तर से 20 दिनों का क्लोजर मिला है। पिछली बार एक क्लोजर 2011 में मिला था और ये क्लोजर टोटल 20 दिनों का है। ये 20 नवंबर से बंद हुआ और 10 दिसंबर तक बंद रहेगा। 10 दिसंबर के बाद ये पानी ओपन किया जाएगा। अभी तो हमारा हेड पे काम चल रहा है। 22 तारीख से 2 तारीख का जो गंगा स्नान का पर्व मनाया जाता है जिसमें पूरा मेला यहाँ पर हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसमें पानी की जो नहर जा रही है उसमें हमने SDO को निर्देशित कर दिया कि यहाँ पानी छोड़ेंगे तो पानी की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। और आज हमने यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मीटिंग करी, जितने भी मेला में जिनकी दुकानें लगेंगी और मेला के जो अधिकारी है और जो कमेटी है मेला कमेटी उनसे भी हमने वार्ता की है और जो भी समस्या है उनको हमने सुना और उसका निराकरण किया जाएगा। यह मेला है ये 27 से 2 दिसंबर तक यहाँ पर लगेगा तो उसी के दृष्टिगत आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे कमेटी के मेंबर हैं मेला समिति के तथा जितने भी दुकानदार हैं और क्षेत्र के जो भी लोग हैं उन सभी की यहाँ पे बैठक ली गई थी तो उसमें उनसे जो भी हमसे रिक्वायरमेंट हैं समस्याएं पूछी गई थी और फिर उन्हें हमारी तरफ से भी निर्देश दिए गए थे कि क्या क्या उसमें आपको सावधानियाँ बरतनी हैं और किस हिसाब से दुकानें लगानी हैं। मेला 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान के मेले के
हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, साफ सफाई को लेकर और आपके दुकान लाइट की व्यवस्था कर दी गई है और आपकी सारी व्यवस्था सब सही है। और बाकी थोड़ा पानी की दिक्कत है, अगर पानी यहाँ पर नीचे उतरता है तो श्रद्धालुओं को स्नान करने में दिक्कत आ सकती है। SDM साहब ने भी दूरभाष से बात करी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल जो है कल तक एक फाटक खोल दिया जाए। युवक को गलत इंजेक्शन लगाने वाला फर्जी चिकित्सक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल 10 अक्टूबर को रुड़की के मोहनपुरा के एक चिकित्सक ने लवेश त्यागी नाम के युवक को इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने से लवेश की मौत हो गई थी। फर्जी चिकित्सक अपने मामा के सर्टिफिकेट पर केमिस्ट की दुकान चला रहा था। वहीं पुलिस की विवेचना में पाया गया कि पिछले 15 सालों से बिना किसी वैट डिग्री के आरोपी केमिस्ट की दुकान चला रहा था। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इस दौरान जेल भेज दिया। सिलक्यारा बचाव अभियान पर मौसम का असर पड़ सकता है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट, बारिश के भी आसार है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में वर्षा बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी है। ऐसे में सिलक्यारा के सुरंग में चल रहे राहत कार्यों पर मौसम का प्रभाव पड़ सकता है। सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर हिमपात हो सकता है। सोमवार को होने वाली बारिश से ठंड में वृद्धि होने की संभावना है। बता दें कि लगातार सिलक्यारा में बचाव अभियान पर मौसम का असर पड़ सकता है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम करवट बदल सकता है। वहीं बात करें मौसम विभाग की चेतावनी की तो मौसम विभाग के मुताबिक 26 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उत्तराखंड में इस दौरान कई जगहों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही भारी बारिश के भी आसार है। बता दें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में वर्षा बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी है। ऐसे में सिलक्यारा टनल हादसे पर और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड की ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ फोन लाइन पर उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। एसएन पंत जी, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, इसलिए 3 दिनों तक आगे आने वाले समय में बारिश के आसार है, साथ ही बर्फबारी के भी हैं। इसका असर सिलक्यारा बचाव अभियान पर सबसे खास पड़ेगा। तो ऐसे में किस तरह से बचाव अभियान को ले जाया जाएगा, किस तरह से बचाव अभियान को कंटिन्यू रखा जाएगा? बिल्कुल, आपको उत्तराखंड में 15 दिन से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। हालांकि कुछ व्यवहारिक दिक्कतें पैदा हुई है जिस कारण से ड्रिलिंग का काम आगे नहीं बढ़ पाया है। हालांकि आज जो हैदराबाद से प्लाज्मा कटर है वो सिलक्यारा टनल के पास पहुंचने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक अगर बात करें तो प्लाज्मा कटर के जरिए ही जो अमेरिका से ऑगर मशीन मंगाई गई थी जो ड्रिलिंग का काम कर रही थी, उस ड्रिलिंग के काम के दरमियान ऑगर मशीन का जो ब्लेड है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसको टूटने के बाद उस ब्लेड को अब काट करके बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद मैनुअली ड्रिलिंग की जाएगी। एक एंगल तो पूरे 15 दिन के राहत और बचाव के कार्य का यहाँ तक पहुंचा है। दूसरे एंगल की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकल जो ड्रिलिंग है उसका काम आज से चालू हो जाएगा। DRO ने जो उसका प्लेटफॉर्म तैयार करना था, जो अस्थायी सड़क बनानी थी, वो पूरी हो चुकी है। उसको पूरा करके आज ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं येलो अलर्ट की, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और येलो अलर्ट के मुताबिक उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उन इलाकों में कहीं ना कहीं बर्फबारी होने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है और उसके मद्देनजर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके लिए एहतियातन सरकार और जांच एजेंसियां तमाम तरीके की एहतियात बरतने की कोशिश कर रही है। अगर सर्द हवाएं चलती है या मौसम शुष्क होता है या बारिश होती है तो इस दरमियान राहत और बचाव के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो, इसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। हालांकि सबसे पहला फोकस ड्रिलिंग पर है कि वर्टिकल ड्रिलिंग करते समय किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार एजेंसियां तमाम तरीके से दुश्वारियों को दूर करते हुए टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए, सुरक्षित बाहर लाने के लिए वचनबद्ध है।
बहुत बहुत धन्यवाद एसिन पंजी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पर उत्तराखंड के कुछ जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर हिमपात हो सकता है और ऐसे में सिलक्यारा टनल हादसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उन पर भी असर पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन पहुंचने वाली है, जिसे काम चालू किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा विकल्प जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग है उस पर भी काम चालू कर दिया गया है। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट की वारदात पर देहरादून एसएसपी ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के बारे में बताते हुए कहा कि ये गैंग पुलिस विभाग में लूप होल का फायदा उठाते हुए लूट की घटना को अंजाम देता है। हालांकि ये लूप होल क्या है इसके बारे में एसएसपी अजय सिंह ने स्पष्ट नहीं किया। इस गैंग के 4 सदस्यों को अब तक बिहार से गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार पुलिस पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि देहरादून पुलिस के साथ ठीक तरीके से सामंजस्य न होने के चलते इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में देरी हुई है। हालांकि एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरी बात निराधार बताया। उनके मुताबिक बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले पर ठीक तरीके से कोऑर्डिनेट कर आरोपियों की धरपकड़ में अहम भूमिका निभाई। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।